अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 7 तक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे, अब क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है कि द फॉलोइंग रेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट्स। करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट हमें गिवन है डॉलर स्विस फ्रैंक का, जो कि 1 है। करंट 30 डे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, जो कि फॉरवर्ड मार्केट में आफ्टर 30 डे जो रेट है वो डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक का वो ये शो कर रहा है कि स्विस फ्रैंक जो है वो अप्रिशिएट हुआ है, क्योंकि अब पहले करंट स्पॉट एक्सचेंज में 1 स्विस फ्रैंक में कम डॉलर्स आ रहे थे और यहाँ हम देख रहे होंगे 1 स्विस फ्रैंक में ज़्यादा डॉलर आ रहे हैं, तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में जो है वो स्विस फ्रैंक जो है अप्रिशिएट शो कर रहा है। Now, annualized interest rate on 30-day dollar denominated bonds. एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप जो है वो आपको इंटरेस्ट रेट अगर 30 डेज का जो है वो दिया हुआ हो, या जैसे आपको फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट 30 डे का दिया हुआ हो और उसने अगर खाली annualized interest rate दिया हुआ 12% का, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको 30 डेज में, जितने भी डेज में आपको उसे कन्वर्ट करना है। जैसे आपको 1 month में उसे कन्वर्ट करना है, 2 month में, अगर यहाँ पे 30 day लिखा हुआ है तो आपको एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट को कन्वर्ट करना होगा 1 month में, यानी ये 12% जो है ये 12 month का है, 1 month का कितना हो जाएगा 1% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो अगर हो सकता है कि आपको ये यहाँ पे तो गिवन है कि 1% पर 30 days, तो आप ये वाला इंटरेस्ट रेट लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट है और आपको कौन सा चाहिए 30 day का इंटरेस्ट रेट चाहिए, ठीक है। तो इस वक्त ख्याल रखिएगा अगर उसने एनुअलाइज दिया हुआ है या पेपर में एनुअलाइज के बिना और आपको जो है वो 30 days, 60 days या 90 days का चाहिए, यानी 1 month, 2 month या 3 month का, तो आपको जो है वो निकालना पड़ेगा। जैसे आपके पास 12 month का गिवन है, तो आपको उसको जो है वो जितने भी मंथ का चाहिए उससे वो डिवाइड करके जो है वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स का भी गिवन है और स्विस फ्रैंक डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स का भी गिवन है। सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इज द स्विस फ्रैंक एट अ फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। स्विस फ्रैंक जो है वो फॉरवर्ड प्रीमियम में डिस्काउंट में, यानी फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट मैं ऑलरेडी इन टर्म्स को समझा चुकी हूँ। आप सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो फॉरवर्ड प्रीमियम में डिस्काउंट बताता है, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है फॉरवर्ड प्रीमियम है, अगर डिस्काउंट नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब है फॉरवर्ड डिस्काउंट है, ठीक है। तो फॉरवर्ड जो यहाँ पे एफ है, इसकी जगह पे हम कौन सा रेट यूज करेंगे 1.010 माइनस दिस वन और डिवाइडेड बाय बी करंट स्पॉट रेट से आपने किया, आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है स्विस फ्रैंक में जो है वो फॉरवर्ड प्रीमियम है, ठीक है। बी पार्ट इसका आपसे ये पूछ रहे कि शुड अ यूएस बेस्ड इन्वेस्टर मेक अ कवर्ड इन्वेस्टमेंट इन स्विस फ्रैंक डिनोमिनेटेड 30-day बॉन्ड्स रादर देन इन्वेस्टिंग इन 30-day डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। अगर आप अब अपने आप को एज ए यूएस बेस्ड इन्वेस्टर रख के सोचें कि अगर आप यूएस इन्वेस्टर हैं तो आप कवर्ड इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं यही थ्रू फॉरवर्ड मार्केट, तो आप जो है वो स्विस फ्रैंक में बॉन्ड्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका कवर्ड इंटरेस्ट डिफरेंशियल का जो फॉर्मूला है उसके थ्रू आप जो है वो आराम से इस बात का पता कर सकते हैं कि आपकी अपनी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा है या फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा है। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने वो फॉर्मूला लिखा, ठीक है, कवर्ड डिफरेंशियल का हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये 1+ इंटरेस्ट रेट किसका स्विस फ्रैंक, क्योंकि आप अपने आप को यूएस जो है वो एज अ यूएस इन्वेस्टर अज्यूम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कौन सी करेंसी रखेंगे जो फॉरेन करेंसी है आपके लिए, तो आपकी फॉरेन करेंसी यहाँ पे कौन सी हुई स्विस फ्रैंक मल्टीप्लाई बाय एफ ओवर ई माइनस और ये आपकी जो है वो डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। स्विस फ्रैंक में इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिल रहा है 0.5%, ठीक है, स्विस फ्रैंक में आपको इंटरेस्ट रेट 0.5% मिल रहा है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया है वाइट करके मल्टीप्लाई बाय, देखिए अब यहाँ पे एफ ओवर ई लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, ये जो एफ ओवर ई की जगह पे आपको क्या पुट करना है, वैसे तो आपको साफ ये दिख रहा है कि एफ की जगह पे आपको जो है वो फॉरवर्ड रेट लिखना है और ई की जगह पे आपको अपना जो स्पॉट रेट है करंट वो लिखना है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस तरह लिखा जाएगा इसको। देखिए अभी आपकी
आपके रेट, अगर आप अपने आपको आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी जिस टर्म्स में ले रहे हैं, जैसे आपकी डोमेस्टिक करेंसी अभी क्या है, डॉलर्स है, आप एज अ यूएस इन्वेस्टर जो है वो ये चीज सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो एक्सचेंज रेट है वो किन टर्म्स में होना चाहिए कि वो आपकी डॉलर की प्राइसिंग करे, देखेंगे डॉलर स्विस फ्रैंक की प्राइसिंग करे, यानी आपकी फॉरेन करेंसी की प्राइस बता रहा हूँ। फॉरेन करेंसी की प्राइस कैसे बता रहे हैं कि एक स्विस फ्रैंक कितने डॉलर्स के इक्वल है, एक स्विस फ्रैंक कितने डॉलर्स के इक्वल है, ये आपको ये बता रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी अपनी करेंसी डॉलर्स है और आपको ये इस तरह बता रहा है, तो इसका मतलब है आप फॉर्मूले में जो सिंपल पुट करें। दूसरा तरीका इसको देखने का ये है कि ये एफ आपका ऊपर क्यों लिखा होता है, ई नीचे क्यों लिखा होता है। देखिए, जब मेरे पास, जैसे मैं हूँ यूएस इन्वेस्टर, मेरे पास डॉलर्स हैं, जब मैं मेरे हाथ में अभी डॉलर्स हैं, ठीक है, मैं अपने डॉलर्स को ये देखना चाहती हूँ कि अगर मैं स्विस फ्रैंक में इसको इन्वेस्टमेंट करूँ, स्विस फ्रैंक डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में, तो उसमें मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना है कि अपने डॉलर्स को कन्वर्ट करना है किसमें, स्विस फ्रैंक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट लिख रही हूँ, देख रही हूँ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप स्विस फ्रैंक की वैल्यू बता रहे हैं, ये आपको ये बता रहा है कि एक स्विस फ्रैंक कितने डॉलर्स के इक्वल है, जबकि मुझे, मेरे हाथ में क्या है इस वक्त, डॉलर है, और मुझे क्या पता करना है कि एक डॉलर कितने स्विस फ्रैंक के इक्वल है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल मैं करूंगी तब मुझे पता चलेगा कि एक डॉलर कितने स्विस फ्रैंक के इक्वल है। और ये क्या है हमारा करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट, इसीलिए हमने ई को क्या लिखा है, नीचे लिखा है, यानी हमने उसका रेसिप्रोकल लिखा है। सेकंड, मैंने एफ, हम एफ को क्यों ऊपर ले रहे हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट को, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का रेसिप्रोकल हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब हमने स्विस फ्रैंक यहाँ से परचेज कर लिया, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल किया, जो भी वैल्यू आई उससे मल्टीप्लाई किया, अपने जितने भी मेरे पास डॉलर्स हैं और उनको मल्टीप्लाई करके मैंने स्विस फ्रैंक में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद मैंने स्विस फ्रैंक में इन्वेस्टमेंट कर ली और स्विस फ्रैंक में मेरी अर्निंग हो गई, जो भी इंटरेस्ट रेट मैंने अर्न किया। अब मैं दोबारा से उसको डॉलर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो अब मेरे हाथ में क्या है, अब मेरे हाथ में स्विस फ्रैंक है, और यहाँ पे जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है वो इन टर्म्स ऑफ स्विस फ्रैंक की गिवन है कि एक स्विस फ्रैंक कितने डॉलर के इक्वल है। तो मेरे हाथ में जितने भी स्विस फ्रैंक होंगे, फॉर एग्जाम्पल 100 स्विस फ्रैंक है, और मुझे ये पता करना है कि डॉलर में कन्वर्ट कराऊंगी तो मेरे पास कितने पैसे डॉलर आएंगे, तो मैं 100 स्विस फ्रैंक को मल्टीप्लाई कर दूंगी इस टर्म से, तो मेरे पास डॉलर आ जाएंगे, तो मुझे रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस एक्सचेंज रेट को। इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ फॉर्मूले में ई को रेसिप्रोकल लिखा हुआ है लेकिन एफ को ऊपर लिखा हुआ है। जब हम दूसरे पार्ट में जाएंगे तो फिर मैं इसको फर्दर समझाऊंगी, ठीक है। तो एफ की जगह पे फॉरवर्ड रेट आपने लिखा, ई की जगह पे आपने करंट स्पॉट रेट लिखा, -1 प्लस जो यूएस में इंटरेस्ट रेट कितना था 1%, उसको आपने लिख दिया यहाँ पे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या मतलब हुआ कि आपका ये वाली चीज जो है, ये रिटर्न आपका ग्रेटर देन दिस रिटर्न है, यानी ये आपका रिटर्न बता रहा है डोमेस्टिक करेंसी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें डोमेस्टिक एसेट में, और ये आपको बता रहा है कि फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड एसेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो कितनी रिटर्न आ रहा है। अगर ये रिटर्न इस रिटर्न से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या है कि आप फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड एसेट में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, ना कि जो आपकी अपनी डोमेस्टिक करेंसी डिनोमिनेटेड एसेट है। तो बिल्कुल यहीं पे लिखा हुआ है कि द यूएस इन्वेस्टर कैन मेक अ हायर रिटर्न कवर्ड अगेन बाय इन्वेस्टिंग इन स्विस फ्रैंक डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। तो यूएस इन्वेस्टर को हायर रिटर्न कहाँ से मिल रहा है, अगर वो स्विस फ्रैंक डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब हमारा जो ये सी पार्ट है, इसमें क्या पूछ रहे हैं कि बिकॉज ऑफ कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज व्हाट प्रेशर्स आर प्लेस्ड ऑन द वेरियस रेट्स। इट्स द ओनली रेट दैट एक्चुअली चेंजेस इज द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, टू व्हाट वैल्यू विल इट बी ड्राइविंग। ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये जो कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज जो ये हम करेंगे, ये बहुत सारे लोग जो है इस प्रोसेस को देखेंगे कि जब स्विस फ्रैंक में इन्वेस्टमेंट करने से फायदा हो रहा है तो सब चाहेंगे कि स्विस फ्रैंक
फाइनेंशियल एसेट में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। जब सब इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट हो जाएंगे तो जो रेट्स हैं, डिफरेंट रेट्स, उन पे क्या प्रेशर आएगा। और ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट चेंज होगा और कहाँ तक उसकी वैल्यू जो है वो जाएगी। देखें, द लैक ऑफ डिमांड फॉर डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स और द सप्लाई ऑफ दीज बॉन्ड्स एज इन्वेस्टर्स सेल देम इन ऑर्डर टू शिफ्ट इनटू स्विस फ्रैंक डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स पुट्स डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइसेस ऑफ यूएस बॉन्ड्स। देखिए, सबसे पहले क्या कि जो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं उनकी लैक ऑफ डिमांड है। कोई भी जो है वो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स परचेज नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि जब हमने ये प्रोसेस करके देखा, जो हमने कवर्ड इंटरेस्ट डिफरेंशियल देखा है, तो स्विस फ्रैंक डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा फायदा हो रहा है। तो जिनके पास डॉलर के बॉन्ड्स नहीं है वो भी क्या करेंगे, अपने उनको सप्लाई करके, उनको सेल करके जो है वो चाहेंगे कि वो स्विस फ्रैंक डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स जो है वो परचेज करें। इससे क्या होगा कि जो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है उनकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोई भी उन्हें लेना नहीं चाह रहा, सब क्या लेना चाह रहे हैं, शिफ्ट करके स्विस फ्रैंक डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स परचेज करना चाह रहे हैं। तो जब इनकी सप्लाई इंक्रीज होगी तो जो डॉलर यूएस बॉन्ड जो है उनकी प्राइसेस जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अपवर्ड प्रेशर ऑन यूएस इंटरेस्ट रेट, और आपको पता है कि प्राइस ऑफ बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट ऑफ बॉन्ड का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। जब प्राइस ऑफ बॉन्ड डिक्रीज होती है तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यूएस बॉन्ड की जैसे ही प्राइसेस डिक्रीज होंगी, यूएस बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, अपवर्ड प्रेशर आएगा इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। उसके बाद द एक्स्ट्रा डिमांड फॉर द फ्रैंक इन द स्पॉट एक्सचेंज मार्केट पुट्स अपवर्ड प्रेशर ऑन द स्पॉट एक्सचेंज रेट। उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये पूरा एक प्रोसेस के थ्रू चलिएगा। मेरे पास डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड है और मैंने जो है ये कवर्ड इंटरेस्ट डिफरेंशियल देखा और मुझे पता चला कि ये स्विस फ्रैंक एसेट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा फायदा है। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने डॉलर के जो मेरे बॉन्ड्स थे उसको जो है वो सेल कर दिया, ठीक है। जिसके प्रेशर क्या आया, जब सब ये प्रोसेस करेंगे, सिर्फ मेरे एक ये करने से जो है प्रेशर नहीं आएगा, जब सब मिलके ये स्टार्ट कर देंगे तो यूएस बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट में अपवर्ड प्रेशर आएगा, वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। उसके बाद जब मैंने वो बॉन्ड सेल कर दिया तो मैं क्या करूंगी, उसके बाद जो है वो मैं जो डॉलर्स मेरे हाथ में आएंगे उनको देकर स्विस फ्रैंक करेंसी खरीदूंगी सबसे पहले। तो जब मैं सबके सब क्या करेंगे, डिमांड ऑफ स्विस फ्रैंक जो है वो इंक्रीज कर देंगे, और इसकी वजह से स्पॉट एक्सचेंज रेट भी जो है उस पर भी अपवर्ड प्रेशर आएगा, वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, यानी स्विस फ्रैंक जो है वो अप्रिशिएट होना स्टार्ट होगा। द एक्स्ट्रा डिमांड फॉर स्विस फ्रैंक डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स पुट्स अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइसेस ऑफ स्विस बॉन्ड। अच्छा, अब थर्ड प्रेशर किस पे आया, तो जब सब ने स्विस फ्रैंक जो है वो परचेज कर ली करेंसी, अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, अब सब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कहाँ, स्विस फ्रैंक बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। जब सबके सब चाहेंगे कि उस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और उन स्विस बॉन्ड की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, और प्राइसेस इंक्रीज होते साथ ही जो है वो डाउनवर्ड प्रेशर किस में आएगा, स्विस इंटरेस्ट रेट में डाउनवर्ड प्रेशर आना स्टार्ट होगा, क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज होगी तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा। उसके बाद फोर्थ प्रेशर किस पे आएगा कि जब स्विस इंटरेस्ट रेट लोगों ने अर्न किया तो अब वो दोबारा से क्या कर रहे हैं, अब वो अपनी करेंसी में कन्वर्ट कराना चाहेंगे, अब वो फॉरवर्ड मार्केट में जाएंगे और वो स्विस फ्रैंक की सप्लाई करेंगे, और स्विस फ्रैंक के बदले में वो क्या चाहेंगे, अपनी करेंसी डॉलर्स को परचेज करना चाहेंगे। तो फॉरवर्ड मार्केट में अब सबके सब सप्लाई करना चाह रहे हैं फ्रैंक को, तो जिसकी वजह से फॉरवर्ड मार्केट जो में जो फॉरवर्ड इंटरेस्ट जो आपका फॉरवर्ड रेट है उस पर डाउनवर्ड प्रेशर आना शुरू होगा और वो डिक्रीज होना शुरू होगा। अगर ये सब चीज़ें इसी तरह चलती ना, लाइक इफ द ओनली रेट, अब वो ये बात कर रहे हैं कि अगर सारे इन जो सारे रेट्स के हमने डिस्कस किए हैं ये कोई भी चेंज ना हो, सिर्फ फॉरवर्ड रेट चेंज हो, इफ द ओनली रेट दैट चेंजेस इज द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, दिस रेट मस्ट फॉल टू अबाउट 1.005 with this forward rate and the other initial rate, the covered interest differential is close to zero. अच्छा, देखें यहाँ पे दो कंडीशन बताई हैं। एक तो अगर ये सारे रेट्स जिनके मैंने अभी डिस्कस किए हैं, कौन कौन से रेट्स मैंने डिस्कस किए हैं, यूएस इंटरेस्ट रेट, यूएस बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और करंट स्पॉट रेट, उसके बाद स्विस फ्रैंक बॉन्ड के जो इंटरेस्ट रेट है, और फिर फॉरवर्ड रेट, अगर ये चारों चेंज हो तो ये इस तरह इन पे प्रेशर आएगा कि जब बहुत ज्यादा ये ट्रांजेक्शन इस तरह होने लगेगी
तो ये प्रेशर इस तरह आएगा कि एक एक करके जो प्रॉफिट है आर्बिट्रेज प्रॉफिट वो एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी हो जाएगी कि उसके बाद जो है वो आप कोई डिफरेंस ही ना रहे कि आप डॉलर डिनोमिनेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करें या स्विस फ्रैंक डिनोमिनेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। लेकिन यहाँ पे सवाल का एक पार्ट ये था कि अगर हम इस सारे रेट्स को छोड़ दें और सिर्फ हम ये देखना चाहें कि फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट अगर खाली चेंज हो, कोई रेट चेंज ना हो, सिर्फ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट चेंज हो, तो कितना ज्यादा वो रेट चेंज होगा। तो यहाँ पे इन्होंने खुद से एक कैलकुलेशन करके बताया है कि अगर बाकी रेट अपने इनिशियल लेवल पे ही रहें, सिर्फ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट चेंज हो, तो कम से कम इस रेट को इतना गिरना चाहिए। जब आप इस फॉरवर्ड रेट को यहाँ पे इंटर करके, यहाँ पे जो हमने अभी फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पे फॉरवर्ड रेट की जगह पे 1.010 की जगह पे अगर आप 1.005 डाल के सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो क्लोज टू जीरो हो जाएगी। क्लोज टू जीरो का मतलब ये है कि अब आप जो है वो इनडिफरेंट हो गए कि आप यहाँ इन्वेस्ट करें या फिर बाहर इन्वेस्ट करें। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये है कि द फॉलोइंग रेट्स एग्जिस्ट। यहाँ पे भी आपको करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट दिया हुआ है डॉलर ओवर पाउंड का जो कि 1.80 है। फिर आपको जो है वो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, यहाँ पे वन थिंग इज मिसिंग आई थिंक, यहाँ पे फॉरवर्ड रेट नहीं यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिया हुआ है, एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या कंसर्न है किस इंटरेस्ट रेट से, 90 डेज के इंटरेस्ट रेट से, जो कि उन्होंने यहाँ पे ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2% पर 90 डेज। तो आपको इस रेट से कंसर्न है, इस रेट से नहीं है। और उन्होंने पाउंड डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स का भी इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। अब ये जो है वो स्पेकुलेशन केस नहीं है, आपसे ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो भी इन्वेस्टर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्पॉट एक्सचेंज रेट जो है वो 90 डेज में डॉलर ओवर पाउंड का 1.77 हो जाएगा। 1.77 का मतलब ये है कि अगर आप इसको कंपेयर करें इस रेट से तो यहाँ पे पाउंड के इक्वल कितने डॉलर्स हैं, 1.80, जबकि यहाँ पे एक पाउंड कितने डॉलर्स के इक्वल है, सिर्फ 1.77। यानी यहाँ पे पाउंड में कम डॉलर्स आ रहे हैं, तो ये जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर है ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 90 डेज के बाद पाउंड जो है वो डेप्रिशिएट होगा। अब ए पार्ट में आपसे ये पूछ रहे हैं कि इफ ही बेसिस हिज डिसीजन सोली ऑन द डिफरेंस इन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, शुड अ यूएस बेस्ड इन्वेस्टर मेक एन अनकवर्ड इन्वेस्टमेंट इन पाउंड डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स रादर देन इन्वेस्टिंग इन डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। सेम वही क्वेश्चन जो आपसे ऊपर पूछा गया था, यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड मार्केट नहीं है, यहाँ पे आपके पास जो है वो स्पेकुलेशन से आप अपनी सिर्फ एक्सपेक्टेशन यूज करते हुए जो है वो ये प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी अनकवर्ड इन्वेस्टमेंट है, आप अपने आप को जो है वो एक्सचेंज रेट रिस्क से जो है हेज नहीं कर रहे, कवर नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप जो फॉर्मूला लिखेंगे कवर्ड डिफरेंशियल का, यहाँ पे यू भी लिखिएगा अनकवर्ड डिफरेंशियल। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले किस तरह आप लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कौन सी करेंसी आती है, फॉरेन करेंसी, चूंकि आप अपने आप को यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं, यूएस इन्वेस्टर, तो यहाँ पे आप कौन सी अपना लिखेंगे, यूके की, यानी पाउंड में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, क्योंकि वो पाउंड आपके लिए यहाँ पे फॉरेन करेंसी है, मल्टीप्लायर। अब देखिए यहाँ पे मैंने एफ नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट, क्योंकि यहाँ पे आप जो है वो फॉरवर्ड मार्केट में इंटर नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप फॉरवर्ड रेट नहीं लिखेंगे, बल्कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आफ्टर 90 डेज ये जो एक्सचेंज रेट होगा वो आपने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लिखी। नीचे आपने स्पॉट रेट लिखा और माइनस वन प्लस यूएस जो आपकी जो है वो डोमेस्टिक जो आपकी कंट्री है उसका इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, आपने यहाँ पे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट यूएस का इंटरेस्ट रेट 2%, यूके का इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका 3% था, जो पाउंड पे आपको मिल रहा था आपने वही लिखा, मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेशन आपकी क्या थी कि 1.77 जो है वो हो जाएगा आफ्टर 90 डेज, वो आपने यहाँ पे लिखा, और करंट एक्सचेंज रेट यहाँ पे लिखा, माइनस 1 प्लस 2% जो आपको यूएस बॉन्ड्स का मिल रहा था वो आपने यहाँ पे लिखा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास अनकवर्ड डिफरेंशियल आएगा माइनस में 0.0072। और ये माइनस अनकवर्ड डिफरेंशियल आपको क्या शो कर रहा है कि ये रिटर्न जो है जो आपको यहाँ से रिटर्न मिल रहा है ये कम है बनिस्बत इसके, यानी आपको अपनी करेंसी में यानी डॉलर में आपको इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा फायदा होगा बनिस्बत ये कि आप बाहर जाएं और बाहर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें।
पाउंड में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आपको अपनी कंट्री में जो है वो अपनी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. सो द यूएस बेस्ड इन्वेस्टर शुड स्टे एट होम इन्वेस्टिंग इन डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स. नाउ बी पार्ट आपसे ये पूछ रहे हैं कि इफ शी बेसिस हर डिसीजन सोली ऑन द डिफरेंस इन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न शुड अ यूके बेस्ड इन्वेस्टर मेक एन अनकवर्ड इन्वेस्टमेंट इन डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स रादर देन इन्वेस्टिंग इन पाउंड डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स. अब आपको किस अपने आप को क्या रख के सोचना है, अगर आप यूके बेस्ड इन्वेस्टर, आप यूके में रहते हैं, आप यूके के इन्वेस्टर हैं और आप सिर्फ अपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए, रेट ऑफ रिटर्न को देखते हुए आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आप डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या पाउंड डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में. सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, अनकवर्ड डिफरेंशियल का फॉर्मूला लिखना है. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने यू लिखना जो है वो मिस, मैंने यू मिस कर दिया, यहाँ पे यू आएगा क्योंकि आप यहाँ पे अनकवर्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप फॉरवर्ड मार्केट में इंटर नहीं हो रहे, सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशन की बेस पर जो है वो आप डिसीजन ले रहे हैं. आप देखें यहाँ पे एक चीज देखने की, अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे तो आप देखेंगे एक तो ये कि मैंने इंटरेस्ट रेट को जो है वो रिवर्स कर दी है, यहाँ पे अब यूएस इंटरेस्ट रेट आ गया और यहाँ पे यूके का जो इंटरेस्ट रेट लिखा है. क्यों? क्योंकि अब आप चूंकि यूके के इन्वेस्टर हैं तो आपकी फॉरेन करेंसी कौन सी हो गई, डॉलर्स, तो आपने यहाँ पे डॉलर इंटरेस्ट रेट जो आपको यूएस का इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलेगा वो आपके लिए फॉरेन इंटरेस्ट रेट है, ये आपका जो है वो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट होगा. सेकेंड चीज, मैंने यहाँ पे जो आपका एक्सचेंज रेट है उसको भी रिवर्स कर दिया, और मैंने रिवर्स क्यों किया, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको ये बात बताई थी कि इसी तरह मैं इस क्वेश्चन में भी एक दफा समझा देती हूँ. देखिए अब आप हैं यूके बेस्ड इन्वेस्टर, ठीक है, आपके हाथ में क्या है, पाउंड है, ठीक है, अब आपके हाथ में पाउंड है, आप इन पाउंड को कन्वर्ट कराना चाहते हैं डॉलर्स में, क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि अगर मैं डॉलर में इन्वेस्ट करती हूँ तो मेरे हाथ में मुझे जो है ओवरऑल रिटर्न कितना मिलेगा, ठीक है, आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं अपनी करेंसी का और फॉरेन करेंसी के रिटर्न का. तो आपके हाथ में डॉलर है, जब आप डॉलर को जाएंगे पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए तो ये स्पॉट एक्सचेंज रेट बिल्कुल एक्चुअल लिखा हुआ है, मतलब आपको इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है. ये आपको क्या बता रहे हैं कि एक पाउंड इक्वल है 1.80 डॉलर के और आपके हाथ में भी कुछ पाउंड है. फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में 100 पाउंड है, आपने सिंपल उसको मल्टीप्लाई किया 1.80 से और ये आपको बता देगा कि 100 पाउंड कितने डॉलर्स के इक्वल आएंगे, ठीक है. तो ये आप यहाँ आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जब आपने समझे आप ये जैसे हम चेक कर रहे हैं, आप चेक ही करना चाह रहे हैं कि रिटर्न कितना आता है, आपने कन्वर्ट करा दिया, ठीक है, डॉलर्स में आपने डॉलर के जो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करी, उसमें आपने इंटरेस्ट रेट अर्न किया. आप जब आपने इंटरेस्ट रेट अर्न कर लिया, अब आप उसको दोबारा से पाउंड में कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं. अब आपके हाथ में डॉलर्स हैं और आपको उसमें उसको कन्वर्ट कराना है पाउंड में. आपको ये पता करना है कि फॉर एग्जाम्पल आफ्टर इंटरेस्ट रेट आपके पास जो है वो 110 डॉलर्स आ गए और आपको ये देखना है कि 110 डॉलर्स आफ्टर 90 डेज कितने पाउंड के इक्वल होंगे. लेकिन जब आप यहाँ देखते हैं तो जो स्पॉट एक्सचेंज रेट है वो आपको क्या बता रहा है, वो आपको इन टर्म्स ऑफ पाउंड बता रहा है कि एक पाउंड कितने डॉलर्स के इक्वल है, जबकि आपको ये पता करना है कि इतने डॉलर्स जो मेरे पास है ये कितने पाउंड के इक्वल है, ठीक है. तो आपको इस वाले एक्सचेंज रेट को पर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ पे आपको जो है जैसे इसका उलट हो जाएगा, यहाँ पे आपको किसका रेसिप्रोकल चाहिए, जो आपका एक्सपेक्टेड स्पॉट एक्सचेंज रेट है उसका आपको रेसिप्रोकल चाहिए और करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट जो है एज इट इज आपको चाहिए, उसका आपको रेसिप्रोकल नहीं करना. इसीलिए यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो कैसे लिखा है कि एक्सपेक्टेड जो आपका स्पॉट एक्सचेंज रेट था उसको रेसिप्रोकल लिखा है नीचे लिखा है और स्पॉट एक्सचेंज रेट को जो है वो मैंने ऊपर लिखा है मल्टीप्लाई, क्योंकि उसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है लेकिन इसको डिवाइड करना है, ठीक है. बाकी चीज़ें आपकी हुई है सिंपल, आप वैल्यूज को अपनी जगह पे रखेंगे और जब आप इसको देखेंगे तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी. पॉजिटिव वैल्यू आपको क्या शो कर रही है कि यूएस में इन्वेस्टमेंट जो है वो फायदेमंद है बनिस्बत ये कि आप अपनी करेंसी अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें. तो अब यही चीज जो है वो ऊपर रिजल्ट आया था, जब यूएस इन्वेस्टर्स ने देखा था तब भी उन्हें यही पता चला था कि यूएस में इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद है और यूके इन्वेस्टर्स के लिए यूएस में इन्वेस्टमेंट करना जो उनके लिए फॉरेन कंट्री है उसमें इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद है. तो सबके सब कहाँ करेंगे इन्वेस्टमेंट, यूएस में.
नाउ सी पार्ट आपसे ये बोल रहा है कि इफ देयर इज सब्सटेंशियल अनकवर्ड इन्वेस्टमेंट सीकिंग हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स व्हाट प्रेशर इज प्लेस्ड ऑन द करंट स्पॉट एक्सचेंजेस. ये आपसे बोल रहे हैं कि अगर सब इस तरह जो है वो करने लग जाएं अनकवर्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सबके सब जो है वो हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न चाह रहे हैं, तो करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट पे क्या प्रेशर आएगा. देखें, इफ देयर इज सब्सटेंशियल अनकवर्ड इन्वेस्टमेंट फ्लोइंग फ्रॉम ब्रिटेन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स तो कर ही रहे हैं अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो ब्रिटेन में जो है रहने वाले हैं वो सब भी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में आ रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में करना चाह रहे हैं. दिस इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स इन द स्पॉट एक्सचेंज रेट. इसकी वजह से क्या होगा, आपको सिर्फ स्पॉट एक्सचेंज रेट बताने कि वो कितना चेंज होगा. जब यूके इन्वेस्टर्स भी सब चाहेंगे यूएस में इन्वेस्टमेंट करना, तो सबसे पहले उनको अपनी करेंसी को पाउंड को कन्वर्ट कराना होगा डॉलर्स में. तो सबके सब पाउंड की सप्लाई करेंगे और डॉलर की डिमांड करेंगे. जब वो पाउंड की सप्लाई करेंगे तो स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या होगा, पाउंड की वो क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं और डॉलर की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्पॉट एक्सचेंज रेट जो है वो डाउनवर्ड प्रेशर आएगा स्पॉट एक्सचेंज रेट में. क्योंकि स्पॉट एक्सचेंज रेट आपको किस टर्म्स में दिया हुआ है, डॉलर ओवर पाउंड के टर्म में दिया हुआ है. तो डॉलर ओवर पाउंड के, अब पाउंड डेप्रिशिएट किस तरह शो होगा कि जैसे एक पाउंड में आप कम डॉलर्स आएंगे तो आप ये शो होगा कि पाउंड जो है वो डेप्रिशिएट हो गया. दिस इज देयर इज डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द स्पॉट एक्सचेंज रेट टू ड्रॉप बिलो 1.80. आपका स्पॉट एक्सचेंज रेट कितना था आपके पास, 1.80, तो स्पॉट एक्सचेंज रेट अब 1.80 से नीचे की तरफ जाएगा. द पाउंड टेंड टू डेप्रिशिएट एंड द डॉलर टेंड्स टू एप्रिशिएट. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें दिया हुआ है हमारे पास स्पॉट एक्सचेंज रेट पॉलिश लोटी पर यूएस डॉलर 3.20, 6 मंथ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट आपको दिया हुआ है जो कि 3.24 है, और साथ ही साथ आपको एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट दिया हुआ है 6 मंथ का जो कि 3.26 है. ठीक है, इवेल्युएट द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसके बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट दी दिया आपको कि गिवन दिस इंफॉर्मेशन यू विल प्रॉफिट फ्रॉम अ फॉरवर्ड एक्सचेंज स्पेक्युलेटिव पोजिशन बेस्ड ऑन यूर एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट. इफ द एक्चुअल फ्यूचर स्पॉट एक्सचेंज रेट इन 6 मंथ इज 3.25 पर यूएस डॉलर. देखें, सबसे पहले इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी को इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले आपको दो क्वेश्चन का आंसर देने जरूरी है. सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट स्पेक्युलेटिव पोजीशन वुड यू एस्टैब्लिश इफ यू एक्सपेक्टेड दैट द फ्यूचर स्पॉट एक्सचेंज रेट वुड बी 3.26 पॉलिश ज़लोटी पर यूएस डॉलर. देखें, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो स्पॉट एक्सचेंज रेट है आफ्टर 6 मंथ वो कितना हो जाएगा, 3.26 पॉलिश पर यूएस डॉलर. ठीक है, और आपका स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, 3.20. यानी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस डॉलर जो है वो एप्रिशिएट करेंगे. ठीक है, आपकी यही एक्सपेक्टेशन बता रही है, क्योंकि स्पॉट एक्सचेंज रेट में यूएस डॉलर में सिर्फ 3.20 ज़लोटी आ रहे हैं, जबकि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि एक डॉलर जो है वो 3.26 पॉलिश के इक्वल हो जाएगा, यानी डॉलर जो है वो एप्रिशिएट करेगा. सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड इज दैट स्पेकुलेटिव पोजिशन प्रॉफिटेबल इफ द एक्चुअल फ्यूचर स्पॉट रेट एक्सचेंज रेट टर्न्स आउट टू बी 3.25 ज़लोटी पर डॉलर. लेकिन देखिए, अगर आप जो है वो इस टर्म्स में देखें, अगर आप फॉरवर्ड जो है वो प्रीमियम निकालें, तो आपको पता चलेगा कि यूएस डॉलर में आपको फॉरवर्ड प्रीमियम हो रहा है. क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड मार्केट में इंटर होते हैं तो 3.24 आप ये करके देख लें, अगर मैंने यहाँ पे करा हुआ भी है, देखें आपकी 3.24 3.20 को मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आप ये देखें तो स्पॉट एक्सचेंज रेट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में आप ये फर्क देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इसको माइनस करें, 3.24 माइनस 3.20 डिवाइड बाय 3.20, तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी आपको यूएस डॉलर में फॉरवर्ड प्रीमियम हो रहा है. ठीक है, दूसरा आप ये देखें कि आपकी तो ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर आपका जो स्पॉट एक्सचेंज रेट है वो 3.26 हो जाएगा, जबकि इन एक्चुअल क्या हो कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी आउट हो जाए और फ्यूचर स्पॉट एक्सचेंज रेट 3.26 की बजाय 3.25 हो जाए, तो क्या आपको स्टिल फायदा होगा या नहीं होगा. देखें, इसके लिए सिंपल सी आपको एक काम करें,
आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आफ्टर 60 डेज आपका आप जो एक्सचेंज रेट है वो 3.26 हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने इसको देखा कि आप मुझे जो है वो फॉरवर्ड प्रीमियम हो रहा है या डिस्काउंट हो रहा है। 3.26 माइनस जो भी आपकी जो है वो फॉरवर्ड रेट चल रहा है, क्योंकि आप फॉरवर्ड मार्केट में इंटर होके जो प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं। फॉरवर्ड रेट क्या है? 3.24। आपने इसको माइनस करके निकाला, आपके पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, आपने बोला कि मेरी एक्सपेक्टेशन अगर ट्रू हो गई तो ठीक है, मैं फॉरवर्ड मार्केट में इंटर होके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये इस पे हम बाद में आएंगे कि आप क्या बाय करेंगे क्या सेल करेंगे। ठीक है, सेकेंड ये कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन सही नहीं हुई और आपकी 3.26 आप जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे जबकि 3.25 हो गया एक्सचेंज रेट, तब भी आपको स्टिल प्रॉफिट हो रहा है। ऑल्दो आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो गया है पहले से, पहले आपको जो है वो 0.02 का प्रॉफिट हो रहा था, अब आपको 0.01 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन स्टिल आप लॉस में नहीं जा रहे, स्टिल आप फायदे में ही जा रहे हैं। अब आप करेंगे क्या? द करंट 6 मंथ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज 3.24 एंड यू एक्सपेक्ट द फ्यूचर स्पॉट एक्सचेंज रेट टू बी 3.26। द डॉलर इज रिलेटिवली चीप इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ डॉलर आपको चीप मिल रहा है? फॉरवर्ड मार्केट में, क्योंकि यहाँ 1 डॉलर के बदले में आपको सिर्फ 3.24 ज़लोटी देना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पे 1 डॉलर के बदले में आपको 3.26 देने पड़ेंगे। तो आप यहाँ से डॉलर परचेज करेंगे, आप बोलेंगे कि मैं 6 मंथ के बाद जो है वो आपसे डॉलर जो है वो बाय करूंगा और आपको डिलीवर करूंगा ज़लोटी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही 6 मंथ के बाद आप देखेंगे कि ठीक है मेरी एक्सपेक्टेशन उतनी तो नहीं हुई जितनी मैंने एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन स्टिल जो है वो 3.25 तो हो गई है, तो स्टिल मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो आप वहां से जो है वो यहाँ से आप डॉलर्स परचेज करेंगे, यहाँ से जब आप डॉलर परचेज करेंगे तो आपको जो है वो 3.24 जो है वो पॉलिश करेंसी मिलेगी, और आप यहाँ जो है वो उसको जो है वो सेल कर देंगे डॉलर्स को, तो आपको उसके बदले में अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ट्रू हुई तो आपको 3.26 मिलेंगे। आपकी अगर अगर आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी आउट हो गई और 3.25 हो गया एक्सचेंज रेट, स्टिल आपको जो है वो डॉलर जो आपको ज़लोटी जो है वो पॉलिश करेंसी ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ट्रू हुई तो आपको 0.02 हर 1 डॉलर इन्वेस्ट करने पे आपको इतने जो है वो पॉलिश करेंसी मिलेगी, और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हट गई तब भी आपको जो है वो 1 डॉलर इन्वेस्ट करने पे इतनी पॉलिश करेंसी के जो है वो प्रॉफिट होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट ऑन अ पर्टिकुलर डे। स्पॉट एक्सचेंज रेट दिया हुआ है आपको डॉलर ओवर यूरो का 1.4, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट 90 डेज का आपको दिया हुआ है 1.427, और एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं 90 डे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के। देखिए अब इन्होंने आपको जो है वो एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं, अब इन्होंने आपको कर ही नहीं दिखाया हुआ, मतलब इन्होंने आपको ये नहीं दिया हुआ आपको 90 डेज के बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट चाहिए, जबकि आपको उसने जो है वो एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इन एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट को कन्वर्ट करना है 3 मंथ के जो 3 मंथ के इंटरेस्ट रेट में, क्योंकि 90 डेज का मतलब क्या है कि 3 मंथ। ठीक है, जबकि 8% आपको शो कर रहा है कि ये 12 मंथ के जो है वो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट शो कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास 8% को आप तो डिवाइड कर देंगे, आपको कितने के चाहिए? आपको 90 डेज गवर्नमेंट बॉन्ड चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एनुअलाइज दिया हुआ है और आपको 90 डेज, तो ये 3 मंथ्स बने हमारे पास। तो सिंपल इसको हम क्या करते हैं, क्या हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे? ये फॉर्मूला हमारे जो है वो बुक में गिवन है कि अगर आपको एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट दिया हुआ हो तो आप उसको किस तरह जो है वो मंथली इंटरेस्ट रेट में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसी को देखते हुए आप जो है वो इसको कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद वो आपसे क्या पूछ रहा है मैं आपको ये चीज दिखा भी देती हूँ, वरना आपकी बुक में जो है वो गिवन है। देखिए आप क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय एन, यानी इसको हम चलें करके देख लेते हैं आपके पास कितना इंटरेस्ट रेट है।
अगर आपको जो है वो एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट दिया हुआ और आपको मंथली इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करें, आपको एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट यहाँ पे गिवन है 8%, ठीक है। 8% को आप डिवाइड कर दें 12 से, क्योंकि आप जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको पर मंथ आपको इंटरेस्ट रेट ये दे देगा, ठीक है। जब आपका आपके पास पर मंथ इंटरेस्ट रेट आ गया तो आपको कितने मंथ्स का चाहिए, 3 मंथ्स का, 90 डेज का मतलब 3 मंथ्स। जब आपने डिवाइड बाय 12 कर दिया तो अब आप जो भी वैल्यू आई उसको आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपको बता रहा है कि जो यूएस यूरो डिनोमिनेटेड बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है 90 डेज का 3 मंथ्स का वो 2% है। इसी तरह आपको अगर यूएस डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो है वो उसका इंटरेस्ट रेट 3 मंथ्स का निकालना है, ये एनुअलाइज 12 मंथ का इंटरेस्ट रेट गिवन है, तो आप इसको भी 16 डिवाइडेड बाय 12 करें। जब आप 16 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये पर मंथ आपको इंटरेस्ट रेट बताएगा कि पर मंथ कितना इंटरेस्ट रेट है, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये आ गया आपके पास 4। तो अगर आप 90 डेज इंटरेस्ट रेट आपको यूरो डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में कितना मिल रहा है 2%, और यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में आपको मिल रहा है 4%। अच्छा, अभी आपसे बोल रहे हैं कि ए पार्ट्स का ये है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स इन ऑल कंट्रीज हैव द एक्सपेक्टेशन दैट द स्पॉट एक्सचेंज रेट इन 90 डेज विल बी 0.7100 यूरो ओवर यूएस डॉलर। आर इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टिंग द यूरो विल अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 90 डेज। अब इन्होंने आपको थोड़ा सा ना घुमाने की कोशिश करी, इन्होंने क्या किया, ऊपर स्पॉट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दिया हुआ था इन टर्म्स ऑफ डॉलर ओवर यूरो, और यहाँ इन्होंने जो आपको एक्सचेंज रेट दे दिया वो आपको क्या दे दिया, यूरो ओवर यूएस। तो इसको देखते हुए तो आप बता ही नहीं सकते कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूरो एप्रिशिएट हो रहा है डेप्रिशिएट हो रहा है। सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस एक्सचेंज रेट को इसी टर्म्स में जिस टर्म्स में ये लिखे हैं, ये किस टर्म्स में लिखे हुए, डॉलर ओवर यूरो, जबकि इन्होंने आपको दे दिए यहाँ पे यूरो ओवर डॉलर। तो सबसे पहले तो आप इसको रेसिप्रोकल करें, तो आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0.7100 तो आपके पास आ जाएगा 1.408। अब आप ये बता सकते हैं कि जो यूएस फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आफ्टर 90 डेज जो है वो यूरो अप्रिशिएट करेगा डेप्रिशिएट करेगा। आप स्पॉट एक्सचेंज रेट देखें, एक यूरो क्या बता रहा है 1.4 के इक्वल है, जबकि ये आपको क्या बता रहा है, ये 1.408 के इक्वल है। तो ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूरो जो है वो 90 डेज में अप्रिशिएट करेगा। अच्छा, अब हमारा बी पार्ट ये है कि कंसीडर द कंपैरिजन बिटवीन इन्वेस्टमेंट इन यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स एंड यूरो डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स विद एनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट डन एज अनकवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन विच डायरेक्शन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरो एरिया विल देयर बी एन इंसेंटिव फॉर uncovered investment to flow based on a comparison of returns, calculate the relevant returns and explain your answer। देखें यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वही comparison करना है कि अगर आप US dollar denominated bonds में invest करेंगे तो आपको overall कितना return मिलेगा, अगर आप euro denominated bonds में investment करेंगे तो आपको कितना जो है वो return मिलेगा। सबसे पहले विद द यूनाइटेड स्टेट्स एज द होम कंट्री, देखिए इसकी भी जो है वो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सबसे पहले आप अपने आप को जब ये अज्यूम करें कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के इन्वेस्टर हैं, यानी आप यूएस आपका डोमेस्टिक कंट्री है, या आपके पास दूसरे यूरो दिया हुआ है, या तो या यूरो आपकी जो है वो डोमेस्टिक करेंसी है। तो सबसे पहले अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स को जो है वो एज अ होम कंट्री जो है वो कंसिडर अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आप अगर यूरो डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, ये आप किस तरह देखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे इसको बहुत सिंपल करके लिखा हुआ है, सिंपल मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने एनुअलाइज बॉन्ड को यहीं पे जो है वो कन्वर्ट करा हुआ है थ्री मंथ्स के उसमें, तो आप इस वाले इसको छोड़ दें क्योंकि हम ये पहले ही सॉल्व करके बता चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना बन रहा है। आपने यहाँ पे सिंपल क्या बनने, आप क्या है यूएस इन्वेस्टर, आप ये देखना चाह रहे हैं कि फॉरेन करेंसी जो कि यूरो है आपके लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करने पे आपको कितना फायदा होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या फॉरेन करेंसी में लिखनी है, यानी 1+i यूरो आप लिख दें चाहे, तो यूरो पे आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा था 2%, तो आपने वही लिखा 1+0.02 मल्टीप्लाई बाय। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, वही एफ ओवर ई, यहाँ पे आप जो है वो आपकी अनकवर्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट है, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आफ्टर 90 डेज जो है वो इतना जो है वो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट लिया,
और यहाँ पे स्पॉट एक्सचेंज रेट लिया, ठीक है, 1.408 में 1.400, इसको आपने सॉल्व किया, आपके पास क्या आंसर आ गया, 1.026, ठीक है। अब आप ये अज्यूम करें कि आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। डोमेस्टिक करेंसी में बहुत सिंपल है, सिंपल आपके पास डॉलर्स ही हैं, आपको उसे किसी भी करेंसी में कन्वर्ट नहीं करना, सिंपल आपने डॉलर्स को कि एसेट परचेज करें और उस पर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 4%, तो आपके पास इन द एंड डॉलर्स कितने आ गए, 1.04। तो आप खुद बताएं कि आप जो है वो यूरो में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या डॉलर्स में। ऑफ कोर्स आप जो है वो डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि डॉलर में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको ज्यादा जो है वो रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे जो है वो तरीके से देखते हैं। देखिए, अब आप अपने आप को जो है वो ये अज्यूम करें कि यूरो आपकी जो है वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी है और डॉलर आपकी फॉरेन करेंसी है, ठीक है। अब आप इस टर्म्स में सॉल्व करने की कोशिश करें, तो अगर आपकी यूरो जो है वो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है तो डॉलर्स आपकी क्या हो गई, फॉरेन करेंसी हो गई। तो यहाँ पे आप कौन सा इंटरेस्ट रेट रखेंगे, फॉरेन करेंसी, फॉरेन यानी जो आपको डॉलर पे मिल रहा है 4%, ठीक है। देखिए यहाँ से हम यहाँ पे हमने 2% रखा था जो यूरो पे मिल रहा था, क्योंकि ये उनकी फॉरेन करेंसी थी और ये अब हमारे लिए फॉरेन करेंसी बन गई है। यहाँ रेट हम क्या करेंगे, देखिए इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, वही सेम जो मैंने पहले समझाया था, ठीक है। मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया और आंसर आपके पास पाउंड में ये आ गया। फिर अगर आप जो है वो अपनी जो आपकी यूरो आपकी करेंसी, आप अपनी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको जो है वो एक यूरो इन्वेस्टमेंट करने पे जो है वो 2% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो आपके पास इन द एंड कितने पाउंड आएंगे, 1.02 पाउंड। इसका मतलब ये है कि अब जो यूरो एरियाज में जो रहते हैं लोग, वो भी क्या चाहेंगे कि अपनी करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करें बल्कि यूएस में जाके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यूएस में इन्वेस्टमेंट करने पे उन्हें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है बनिस्बत ये अपनी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कि व्हाई इज टेस्टिंग वेदर अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी होल्ड्स फॉर एक्चुअल रेट्स मोर डिफिकल्ट देन टेस्टिंग वेदर कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी होल्ड्स। अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी को अगर हमें टेस्ट करना है कि वेदर अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी जो है इट होल्ड्स और नॉट, ये ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी को जो है वो चेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी में हमारे पास जितने रेट्स हैं उन सब का डाटा हमारे पास होता है, फॉरवर्ड रेट भी हमारे पास होता है, स्पॉट रेट भी हमारे पास होता है, इंटरेस्ट रेट का डाटा भी हमारे पास होता है, जबकि अनकवर्ड में हमारे पास फॉरवर्ड रेट की जगह पे आ जाता है एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट, और एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट का कोई डाटा हमारे पास नहीं होता। यह हर किसी की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, हर कोई अपने लिहाज से सोच रहा होता है कि आफ्टर सम टाइम जो है वो एक्सचेंज रेट इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, ये सबकी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है और इसका कोई डाटा नहीं होता। इसलिए अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी को जो है वो टेस्ट करना जो है वो इट इज डिफिकल्ट देन टू चेक कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी। तो ये हमारे चैप्टर 18 के सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए।